कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाने वाली यह गाड़ी अहमदाबाद मुंबई कर्णावती कोविड स्पेशल एक्सप्रेस है। बिना सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाए इसमें यात्रा करना दंडनीय अपराध है, तो हाथ को सैनिटाइज करते जाइए और सफर का आनंद लेते जाइए। और हाँ, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। Hi guys, good morning. Tata, bye bye to Veronica. हम चले फिर एक ट्रैवल पे पहुंचते ही बता दी। वॉक करके जाने क्योंकि यहाँ पे कोई ऑटो दिखाई नहीं दे रही है मुझे। तो दोस्तों, वडोदरा में आपका फिर एक बार स्वागत है। यह है वडोदरा का खूबसूरत सा स्टेशन, छोटा सा है, प्यारा सा है। मेरे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था जो राजधानी एक्सप्रेस मैंने की थी मुंबई सेंट्रल टू वडोदरा, कि वडोदरा का असली मीनिंग कहाँ से आया है। वडोदरा बेसिकली संस्कृत वर्ड वट ओदरा से आया है, मतलब हार्ट ऑफ बनियान ट्री, वट मतलब बनियान। अब यहाँ पर जो है चेकिंग होती है और चेकिंग होने के बाद लोगों को, पैसेंजर्स को अंदर लेके जाया जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सारे निशान किए हुए हैं सर्कल में, ताकि यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। एरो मार्क है, इसी एरो मार्क से जाना है। इधर आप देख रहे हैं, या वैशाली सेता, या ओके गाइस, सो यहाँ पर जो है चेकिंग प्रॉपरली हो रही है। जैसे यहाँ पर ये जनाब जो हैं मेरा लेज़र से भी चेक कर रहे हैं, हो गया। और वेल, ये बता दूँ कि अब तो कोविड ने अपना नेचर भी चेंज कर लिया है, तो क्या हो रहा है कि सिम्टम्स पता नहीं चल रहे हैं, लेकिन स्टिल प्रिकॉशन इज मस्ट। और वही प्रिकॉशन लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी ट्रेन आ रही है 02934 कर्णावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और वैसे ये अहमदाबाद से लेकर के मुंबई सेंट्रल तक का रास्ता तय करती है 491 किलोमीटर में। हम वडोदरा से तय करने वाले हैं 391 किलोमीटर का रास्ता, और करीबन 5 घंटे और 50 मिनट, 6:47 को ये चलेगी, और सुबह 6:47 को ये वडोदरा से चलेगी और पहुँचेगी मुंबई सेंट्रल 12:35। वैसे दोस्तों, पहले ये लोकोमोटिव आप देख रहे हैं, अब ये WAP-7 लोकोमोटिव चलता है। Thank you.
फ्रेंड्स, तो ये रही मेरी सीट, विंडो सीट, लेकिन विंडो दिख नहीं रहा है। आप लोग यहाँ बैठ जाओ। यस दोस्तों, तो मैंने सीट ली है विंडो की, वैसे मैंने क्या लिया, मुझे मिली है। और यहाँ से थोड़ी दिक्कत होने वाली है, फिर हो सकता है मैं इनको बोलूँ कि आप विंडो पे आ जाओ, मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ा बाहर का जायज़ा ले लेते। और दोस्तों, और ये भूल गई, एक पेंट्री कार्ड भी होता है इसमें। वैसे खाना तो इसमें नहीं बनेगा, लेकिन पैक फूड सर्व होने के चांसेस है। तो दोस्तों, ये ब्लॉग शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल का बटन भी दबा दीजिए, और ब्लॉग ख़त्म होने के बाद लाइक भी करना, शेयर भी करना, और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि त्रुटियाँ कहाँ रही हैं और मैं आगे सुधार किस में कर सकती हूँ। इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा। तो हमारा ये कर्णावती का सफ़र शुरू होने वाला है वडोदरा से मुंबई सेंट्रल तक। दोस्तों, एसी चेयर कार के होते हैं 4 कोचेस और कुछ 11 कोचेस होते हैं सेकंड सिटिंग के। अनरिजर्व्ड के 2 कोचेस और एक पेंट्री कार, इंजन वन कार। 2012 से पहले जो है ये ड्यूअल ट्रैक्शन WCAM 1 और WCAM 2 के माध्यम से चलती थी, क्योंकि ये एसी ट्रेन नहीं थी। लेकिन जब से इसमें एसी कोच लगे हैं, तब से ये चलती है WAP 5, WAP 4E, और आज हमने देखा WAP 7 से चल रही है। वैसे टाइम है इसका, और अभी 7 मिनट है इसको यहाँ से प्रस्थान करने के लिए। बड़ौदा का चिवड़ा जो है काफ़ी मशहूर है। दूसरा यहाँ पे जो है लक्ष्मी निवास पैलेस है। वैसे यहाँ पे मराठा रॉयल फैमिलीज़ का राज चला करता था, गायकवाड़ फैमिलीज़, और यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। वैसे दोस्तों, कुल 5 हॉल्ट लेगी ये, यहाँ से वडोदरा से चलेगी तो भरूच पे रुकेगी, भरूच के बाद ये सूरत पे रुकेगी, उसके बाद वलसाड़ पे रुकेगी, वलसाड़ के बाद वापी पे रुकेगी, उसके बाद बोरीवली पे रुकेगी, और फिर मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी और टोटल 7 स्टेशन को टच करेगी। 1 टॉयलेट होता है, इतना काफ़ी ठीक ठाक तो नहीं है, लोगों ने यहाँ पर कुछ कुछ लगा के रखा हुआ। हर कोच के एंड पर 1 टॉयलेट है। वैसे हमारा बोंगा पच चुका है, हमारी ट्रेन चलने वाली है। हमारी ट्रेन चल पड़ी है एग्जैक्ट टाइम पर 6:47 को, और इसी के साथ ही फिर एक बार मैं स्वागत करती हूँ कर्णावती एक्सप्रेस में। वडोदरा से लेकर के मुंबई सेंट्रल तक का सफर होगा ये 02934 में। वेलकम टू एक्सट्रीम रोड्स, दिस इज शॉली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। यस, और खुशी से कहती हूँ कि फर्स्ट फीमेल ट्रेन ट्रैवल व्लॉगर का खिताब मैं हासिल कर चुकी हूँ, और इससे मुझे बहुत बहुत प्राइड फील होती है, क्योंकि मैं अपनी इंडियन रेलवेज को अपने तौर से सर्व कर रही हूँ और आपको भी इसका मज़ा दिला रही हूँ। दोस्तों, अब चूँकि हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं, तो आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, हमें मास्क पहन करके चलना है, और टिकट लेने से पहले हमें ये देखना है कि हमारा बोर्डिंग स्टेशन से हम जहाँ पे जा रहे हैं उस स्टेट में, अगर हम स्टेट चेंज कर रहे हैं तो उस स्टेट में क्वारंटाइन है या नहीं है, जो कि आपको IRCTC की वेबसाइट पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप जब IRCTC की वेबसाइट खोलोगे तो एक अलर्ट पेज आएगा, उस अलर्ट पेज पर ओके करोगे तो उसके बाद उसमें आपको विद पेंट्री कार्ड, विदाउट पेंट्री कार्ड की करीबन टोटल 230 स्पेशल कोविड स्पेशल ट्रेन होंगी, और जिनका नंबर 0 से शुरू होगा, पहले उसका नंबर 1 से शुरू होता था, तो इसीलिए ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके अंदर आपको एडवाइजरी लिस्ट होगी और स्टेट एडवाइजरी लिस्ट होगी, तो आपको उन रूल्स का ध्यान रखते हुए आपको ट्रैवल करना होगा। ओके गाइस, वैसे मैंने सेकंड सिटिंग का पे किया है 175 रुपीज़। लेकर के ऑगस्ट 12 तारीख तक जो है, जो नई ट्रेनें और चलने वाली
वाली थी वो रद्द कर दी गई हुई हैं। जिन्होंने भी टिकट्स ली है उनकी टिकट्स कैंसिल होकर के उन्हें फुल रिफंड मिल जाएगा। और बाकी तो ये 2:30 ट्रेन बिल्कुल चलेंगी। मैंने चाय और पोहे लिए हैं और मैंने ये जान के लिए हैं क्योंकि हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये लोग भी काम कर रहे हैं, पूरे सैनिटाइज होकर के काम कर रहे हैं, तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि इन लोगों के भी खाने वेस्ट ना जाए। वैसे तो सारे लोग अपने घर से ही लेकर के निकलेंगे, खा कर के निकलेंगे। मैं तो होटल से निकली हूँ और मुझे तो खाना है वैसे भी, सो आई एम हैविंग इट, सो वी आर हैविंग पोहा। आप कर्णावती एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं और आप वातावरण कूल सीट लेना चाहते हैं चेयर कार में, तो आपको करीबन 556 पे करने होंगे। अगर वडोदरा से आप मुंबई सेंट्रल जा रहे हैं, अहमदाबाद से जा रहे हैं, तो आप 646 रुपीज़ पे करेंगे। और अगर आप सेकेंड सिटी में जा रहे हैं तो वडोदरा से मुंबई सेंट्रल तक का होगा 163 रुपीज़। वैसे कुछ चार्जेस पकड़ करके 175 मेरे हुए हैं और 196 होंगे अहमदाबाद टू मुंबई सेंट्रल। वैसे यहाँ की भरूच की सींग पीनट्स बहुत मशहूर है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे कहीं सू केटला नहीं है मोटो ना थी पैकेट 100 रुपया 100 बहुत महंगी आप पी रहे जो भाई 60 रुपया ना 100 रुपया मले कई 60 रुपया मां एमआरपी अच्छी ली थी आज जगह नहीं तो घर जाए इस तरह खबर पड़। तो मैंने भरूच से सींग ले ली है टाइम पर। ओ Thank you.
वह दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं सूरत, और सूरत पर ये 8:35 को आती है और बस 8:40 को ये यहाँ से निकल जाएगी, तो 5 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट है। तो हमारी 02934 पहुँच चुकी है सूरत। वैसे सूरत के बारे में मैंने आपको राजधानी एक्सप्रेस में भी बताया था मुंबई सेंट्रल टू वडोदरा के समय, लेकिन एक बार बता देते हैं। वैसे दोस्तों सूरत इज फेमस फॉर डायमंड मार्केट। यस, यहाँ पे बड़े बड़े डायमंड की इंडस्ट्री है। वेल, और दूसरी बात जो है कि यहाँ पर टेक्सटाइल का बहुत बड़ा खान है। यहाँ पर चीपेस्ट क्वालिटी के आपको फैब्रिक्स मिल जाएंगे, टेक्सटाइल्स अनगिनत मिल जाएंगी। अगेन बता देती हूँ, शिफॉन की साड़ियाँ यहाँ पर बहुत सस्ती मिलती है। और ट्रेन में भी घुस जाते हैं, थोड़ी देर में ट्रेन चल भी पड़ेगी। सबके मुंह पर नकाब है, मेरे भी मुंह पर नकाब है, लेकिन दोस्तों फिक्र करने की बात नहीं है, विघ्न बहुत ही आएंगे, हमको विचलित कर जाएंगे। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, अच्छा ही होगा। फिर एक बार बता देती हूँ, ये दिनकर की पंक्तियाँ हैं। मैंने राजधानी एक्सप्रेस में एक पंक्ति बोली थी, इसमें दूसरी ऐड कर दी है। मैं दूसरे कोचेज में भी जाऊँगी, लेट्स सी कितनी भीड़ है, क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे भी कुछ स्टॉल्स ओपन है मेरे ख्याल से। वेरी गुड, मतलब स्टॉल्स यहाँ पे थोड़े बहुत खुले हैं, ये अच्छी बात है कि 24 घंटे स्टॉल्स यहाँ पर खुले हैं। वैसे मेरे पास और 10 मिनट का वक्त है, हम 10 मिनट पहले ही पहुँच गए। गर्म भी मिलता है, नाश्ता नहीं चालू किया है, इसलिए आपको गर्म खाना है तो गर्म तो नहीं खा सकते। बाकी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स मिल रहे हैं, आपको पानी मिल रहा है, जूस मिल रहा है। चाय गर्मा गर्म चाय, चाय बना चाहिए, गरम चाय भी और चाय। काफ़ी भीड़ है, हम बोल रहे थे चाय ये गरम गरम समोसे लाए हुए। हाय, से हाय, दैट्स गुड।
नंबर आ चुकी है, धन्यवाद। तो 9:30 एग्जैक्ट हमारी ट्रेन जो है 02934 पहुंच चुकी है वलसाड़। 2 मिनट ही रुकने वाली है। तो दोस्तों कृपया ध्यान दीजिए आपको क्यों यहीं जाना है, और यहाँ पे जो साइन दिए हुए हैं उसी साइन को लगते लगते आपको अपनी ट्रेन में घुस जाना है। वैसे अगेन यहाँ पर 2 मिनट पहले पहुँच गई है, 9:30 की ट्रेन है और 9:32 को निकल जाएंगे, और फॉग मेरे चश्मे पे आ चुका है। तो दोस्तों वलसाड़ में वैसे देखने लायक है ब्लैक सैंड का बीच, तीथला बीच, एंड और यहाँ पर वैसे तो स्वामीनारायण मंदिर भी हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं अगर आप यहाँ आए हैं तो। कुछ और बीचेस भी हैं यहाँ पर, उलवाड़ ऐसे कुछ है, आप भी बता दीजिएगा जो भी वलसाड़ के हैं यहाँ पे और क्या क्या है जहाँ पे घूमा जा सकता है। यहाँ पर जो है एक हिस्टोरिकल प्रिजन भी है पुलिस हेडक्वार्टर में। एक बात ज़रूर है कि गुड्स की ट्रेन्स काफ़ी चल रही हैं कंपैरेटिवली, और ये अच्छी बात है ताकि जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और लोगों को सुविधा हो सकती है। किसी को भी कहीं पे भी कोई भी अगर दिक्कत किसी भी स्टेट में किस किस टाइप की आ रही है आप लोग भी मेंशन कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। और आपने जब ये ट्रेन सफ़र किए हैं तो आप किस क्लास में करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो भी आप बता सकते हैं मुझे। पर है 9:51 को ये यहाँ पर आती है और बस 2 मिनट में ही निकल पड़ती है। 2 ही मिनट रुकने वाली है इसलिए ज़्यादा देर तो नहीं खड़ी रह सकती हूँ। लेकिन वापी के बारे में ये बता दूँ कि वापी इज़ अ हब ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर। बस हॉर्न बज चुका है, निकल पड़े वापी। अब इसके बाद है बोरीवली। सेकेंड सिटिंग में ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है कि सेकंड सिटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सकता है? उन्हें मेंटेन होते रहते हैं, देखो ना अभी तो साथ में बैठे हैं जी, साथ में करते पॉसिबल तो नहीं है। और एक और भी चीज़ होती है कि आपसे पहले कौन बैठा हुआ रहता है, फिर आप आकर के बैठे हैं तो उसमें तो सैनिटाइजिंग नहीं हो सकता है हर स्टेशन पे। हाय एक्सक्यूज मी, हाय Hi. Do you think that social distancing is possible in second sitting? No, not at all. Okay, what do you think that you all, and from where have you boarded? From Ahmedabad. Okay, from the starting stop. Yeah. So what do you think, so far you have traveled, so what do you feel that you're wearing a mask? Yeah. Okay, mask pehna hai, sanitize kar rahe honge, lekin like you're sitting on the seat wherein you're having your neighbors. So what is your feeling about traveling here? Are you scared? Are you worried? Not that much scared because I'm having a mask and using sanitizer. But definitely there are people coming again on different stations from different places. दोस्तों मैंने दो लोगों से पूछा और दोनों लोगों का ये अभिप्राय है कि social distancing तो हो नहीं सकता, कोशिश करते हैं वो हाथ धोते हैं, मास्क लगा रहे हैं, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल।
खूबसूरत लगता है ना, थोड़ा सा ग्रीन, फिर नदी आती है, पानी, फिर छोटी छोटी नाव। हम मुंबई में आ चुके हैं और ये है हमारा बोरीवली स्टेशन। ओके दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं मुंबई सेंट्रल और अभी बजे हैं 12:18। जल्दी आ गई 15 मिनट, वैसे 12:35 का इसका टाइम है और यही ट्रेन 02933 होकर के जाएगी 1:40 को। यहाँ से रवाना होगी मुंबई सेंट्रल से, अहमदाबाद पहुँचेंगी शाम के 9:25। वेल गाइज, तो होप ये सफ़र आपको मज़ेदार लगा होगा, मुझे तो लगा, मुझे तो हर सफ़र मज़ेदार लगता है। वेल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, इम्यून सिस्टम को बढ़िया रखिए आप और हेल्दी रहिए। सो दिस वाज शाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल और मैं यहीं से क्लोज करती हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल का बटन दबा दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, ब्लॉग तो अच्छा लगा ही होगा तो लाइक कर दीजिए सब और शेयर भी कर दीजिए। मेरा ब्रदर आ गया है लेने के लिए और मुंबई में क्वारंटाइन नहीं होता है, ये भी बता दूँ आपको, तो मुंबई में भी नहीं, गुजरात में भी नहीं। हेलो टैक्सी वाला। हेलो। सो ही इज़ माय ब्रदर, मुझे लेने आया है। पूरी गाड़ी भी सैनिटाइज करनी पड़ेगी, मुझे भी अपने आप पे सैनिटाइज करना है।